नंबर चार वाले सवालों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी जो पैटर्न नंबर चार वाला आपका सवाल है, देखो ये चीज़ क्या है, इसमें तुम लोगों को जो चीज़ रहेगी वो शो दैट करने को कहा जाएगा। बट शो दैट ये वैसा वाला नहीं जैसा मैंने तुम्हें पैटर्न नंबर वन में बताया था, ये वाला जो शो दैट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि प्रूफ दैट करके, LHS बराबर RHS वाला फॉर्मेट नहीं होता, LHS में कोई टर्म दे देगा, RHS में कोई टर्म दे देगा और कहेगा कि अब शो दैट करके दिखाओ, तो ये उस वाला है, ठीक है। इसके ऐसे मैं एक या दो इलस्ट्रेशंस लेती हूँ। अब जैसे तुम्हें बोला गया है कि इफ़ एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है, इज़ ए फैक्टर ऑफ, किस चीज़ का फैक्टर दिया है, ए एक्स की पावर 4 और प्लस बी एक्स क्यूब और प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो आपको यहाँ पे शो दैट करना है। शो दैट क्या करना है कि ए प्लस सी प्लस ई और इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ हमें शो दैट करनी है। तो मैं अब इस टाइप के शो दैट वालों के पैटर्न के बारे में बात कर रही थी। अब एक चीज़ ध्यान दो कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन क्या दिया हुआ है। एक तो पहले तुम्हें बढ़िया सी पॉलिनोमियल दी हुई है और उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कौन कर रहा है, डिवाइड करने वाला है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। क्या ये कोई लीनियर इक्वेशन है, क्या नहीं, ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ क्वाड्रेटिक तो है, बट हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिटअप नहीं कर सकते। क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटअप नहीं कर सकते, वहाँ पे तीनों टर्म्स होती है ना। अब ये तुम्हें कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है इसका शक्ल, हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन जब मैं पढ़ा रही थी उसी वक्त मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट भी पढ़ा दिया था। जो आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट है वो तुम्हारे चैप्टर नंबर टू में आता है वैसे, तो वो जो आइडेंटिटीज़ हम सीखे हैं वो इसीलिए सीखे हैं कि अब हम लोग जब हमें ऐसे कोई दिखे, क्वाड्रेटिक दिखे, क्यूबिक दिखे, तो अब हम उसको फैक्टराइज ताकि कर सकें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले लेट कर लिया कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। अब इसको जो तुम्हारा डिवाइज़र है वो डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये कोई एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर का मतलब एक्स माइनस वन, थ्री एक्स प्लस टू, ऐसे फॉर्मेट का नहीं है। हमें तो हमेशा डिवाइज़र ऐसे ही फॉर्मेट का चाहिए, तभी तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो फिर इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो तुम एक चीज़ ध्यान देखो, इस चीज़ को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, और अगर तुम्हें आइडेंटिटी याद आ रही होगी तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा ही हो गया है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो देखो इससे पहले वाला जो हमने इलस्ट्रेशन देखे थे फैक्टर थ्योरम के पार्ट वन में, उसमें क्या था कि जो आखिरी पैटर्न का सवाल था, पैटर्न नंबर थ्री का एग्जैक्टली डिविजिबल वाला, उसमें तुम्हें क्वाड्रेटिक देता था, तो अपन क्या करते थे, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक दी थी बट इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, तो हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो इससे हमारा जो डिवाइज़र है उसके अंदर दो ब्रैकेट्स क्रिएट हो गए, एक हो गया एक्स प्लस वन और एक हो गया एक्स माइनस वन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ ए फैक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो फैक्टर है, किस चीज़ का फैक्टर है, ये फैक्टर है तुम्हारे पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन फैक्टर है, ठीक है, तो उस एक्स स्क्वायर माइनस वन की जो ये दो मल्टीप्लीकेशन है, एक्स प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन और कुछ नहीं है बल्कि वो इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन ही है, तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर्स होंगे पी ऑफ एक्स के बराबर। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो एक्स प्लस वन एंड मतलब अलग अलग भी ये लोग फैक्टर्स होंगे। अगर तुम्हें इलस्ट्रेशन नंबर यानी कि पैटर्न नंबर थ्री अगर याद है तो याद करो, पैटर्न नंबर थ्री में हम एक्स प्लस वन को अलग से फैक्टर शो करते थे, एक्स माइनस वन को अलग से फैक्टर शो करते थे, फिर लिखते थे कि अच्छा उनका मल्टीप्लिकेशन भी फैक्टर हो सकता है, फिर मल्टीप्लिकेशन के बदले उनकी क्वाड्रेटिक भी तो फैक्टर हो सकती है। तो इस बार हम बस रिवर्स कर रहे हैं, हमें दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर क्वाड्रेटिक उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस क्वाड्रेटिक का जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी उसका फैक्टर होगा, और फिर वो जो सिंप्लीफिकेशन में जो दो ब्रैकेट्स आए हैं वो दोनों ब्रैकेट्स भी उसके अपने अलग अलग लेवल पे फैक्टर होंगे। तो अगर एक्स प्लस वन उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर कितना आना चाहिए, पी ऑफ माइनस वन,
है ना, x प्लस वन का रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस वन, वो कितना आना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई किसी का रिमाइंडर है तो, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। x माइनस वन भी फैक्टर है, तो x माइनस वन के लिए ठीक है आपका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ वन, और p ऑफ वन भी कितना निकल कर आएगा, जीरो, बराबर। तो अभी हम लोग p ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं, p ऑफ माइनस वन कितना है, तो p ऑफ माइनस वन कैसे निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल दी हुई है उस पॉलिनोमियल में बस मुझको x की जगह पे माइनस वन देना है। तो पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स की पावर फोर यानी कि माइनस वन की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्लस बी एक्स क्यूब में क्या आ जाएगा, आपका बी एक्स क्यूब में माइनस वन का क्यूब, और क्या दिया है ऊपर, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस डी एक्स यानी कि माइनस वन और प्लस ई इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस सी माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस डी प्लस ई, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो तुम अब अपने टू प्रूफ को देखो, टू प्रूफ क्या कह रहा है, जो चीज़ शो दैट करनी है, ए सी और ई इनको साथ साथ रखना है, ठीक है। तो ए को यहीं रखते हैं लेफ्ट साइड में, सी को भी यहीं रखते हैं, ई को भी यहीं रखते हैं, माइनस डी जब राइट साइड में वहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डी प्लस डी, और जब बी वहाँ जाएगा तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, बी प्लस डी, बराबर। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ गया, ठीक है। ये मैंने कैसे प्रूफ किया, ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ आई पी ऑफ माइनस वन को सॉल्व करके, ठीक है। जब मैंने पी ऑफ माइनस वन को सॉल्व किया तो मुझको ये वाली चीज़ मिल रही है। अब अगर मान लेते हैं मैं आपके पी ऑफ वन को सॉल्व करती हूँ, तो पी ऑफ वन को सॉल्व करने से देखते हैं मुझे क्या मिलता है। सो पी ऑफ वन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए और वन की पावर फोर प्लस बी वन का क्यूब और प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस डी यहाँ पे वन और प्लस ई और इक्वल टू में ज़ीरो। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ये पूरा का पूरा इक्वल टू में कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, बराबर। तो एक इक्वेशन आ गई ये वाली, ये आ गई थी मेरे पास एक इक्वेशन, और एक मिनट एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आई ये वाली, और एक इक्वेशन निकल कर आई मेरे पास यहाँ से ये वाली। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को करते क्या हैं, एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर वन, इसको दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू। सो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर इसे ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, ए उसके नीचे मैं लिखती जा रही हूँ लाइक टर्म्स को, ठीक है। ये ऐसे, तो अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये गया और ये गया, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए प्लस टू टाइम्स ऑफ सी प्लस टू टाइम्स ऑफ ई इक्वल टू कितना, ज़ीरो। टू कॉमन निकाल लेती हूँ, तो आएगा ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो। फिर यहाँ से जो टू है वहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं, तो ए प्लस सी प्लस ई ज़ीरो अपॉन टू, तो ए प्लस सी प्लस ई यहाँ से कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। अब एक बार मेरी ध्यान से देखना, ऐड करने से हमें ये पता चल गया कि a प्लस सी प्लस ई कितना है, ज़ीरो है। और इस इक्वेशन नंबर थ्री को देखो, जहाँ पे मैंने कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं किया था, से माइनस डी को और माइनस बी को वहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ से हमको क्या पता चला था कि a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो देयरफॉर जो b प्लस डी है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी कि a प्लस सी प्लस ई इक्वल होगा b प्लस डी के, जो हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन नंबर थ्री में प्रूफ कर चुके थे। और फिर ये भी प्रूफ करना था कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल टू कितनी आ जाएंगी, ज़ीरो आ जाएंगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों का हेंस प्रूफ। तो इस टाइप के शो दैट वाले सवाल तुम्हारा पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखना कि किस तरीके से इन सवालों को हम लोगों ने किया है। अब इसी में जो इलस्ट्रेशन है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखो किस तरीके से यहाँ पे सवाल आ सकता है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे x माइनस टू एंड x माइनस वन बाई टू ये जो है
फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, मतलब कि इन लोगों का रिमाइंडर कितना आएगा आप लोगों का, जीरो, पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर इस चीज़ का फैक्टर है, तो हम लोगों को शो दैट करना है, ठीक है, देन शो दैट, क्या शो दैट करना है उसको देख लेते हैं कि p इक्वल टू r आना चाहिए, ये इस बार हमारा शो दैट है। तो देखो शो दैट क्या है उस पर तो फिलहाल ध्यान दो ही मत, फिलहाल अपने पास जो गिवन पार्ट है उस गिवन पार्ट से आगे बढ़ते हैं। गिवन पार्ट में ये बोल रहा है कि x माइनस टू जो है वो फैक्टर है, किस चीज़ का फैक्टर है, वो बोल रहा है कि वो फैक्टर है पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर का, ठीक है, अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा वहाँ पे, जीरो आएगा। पहले तो मैं पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देती हूँ, अब हम लोग कैसे हमेशा पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं, पी ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो पी वाला वर्ड ऑलरेडी आपके इक्वेशन में दिया हुआ है, तो इसलिए नाम इस बार पी ऑफ एक्स नहीं देते, इस बार देते हैं क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये नाम दे दिया क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि वो एक्स माइनस टू उसका फैक्टर है, तो अगर वो उसका फैक्टर है तो देयर फोर क्यू ऑफ टू ये वाली चीज़ कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। तो निकाल के देखते हैं, तो p जहाँ पे x है उसकी जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ गया, और ये r, और ये इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को मैं और सॉल्व नहीं कर सकती, क्यों सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल p है और एक वेरिएबल r है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बराबर है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों मैंने इसको लीनियर इक्वेशन कहा, क्योंकि यहाँ पे p और r दोनों की डिग्री कितनी है, 1। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कल हमने एक इलस्ट्रेशन में सॉल्व करना सीखा था, जिसमें तुमने ये देखा था करके कि आपका जो रहता है करके वेरिएबल उनको एक तरफ रखते हैं और नंबर को एक तरफ करके उसे इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया। अब जैसे x माइनस टू फैक्टर दिया है, वैसे ही x माइनस 1/2 भी तो फैक्टर दिया है, तो उसको लेकर भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/2 ये तुम्हें दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, किस चीज़ का फैक्टर है, आपके q ऑफ x का। तो अगर x माइनस 1/2 फैक्टर है तो q ऑफ 1/2 ये कितना निकल कर आना चाहिए, ज़ीरो। तो चेक करते हैं क्या वो ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं भी आए तो तुम्हें तो इक्वल टू ज़ीरो लिखना ही है क्योंकि वो फैक्टर दिया है। तो ये आ जाएगा p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r और ये इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया p अपॉन 4, ये हो गया प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब वेरिएबल वाले टर्म मैंने एक तरफ रख लेने हैं और जो आपका नंबर है उसे मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ये हो गई आपके पास एक दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल वाली जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी उन्हें हमने ऐड किया था, इस बार हम लोग ऐड नहीं करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों हम इस बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब आपने पिछली एक मतलब जो कल का वीडियो था उसमें जो आई थिंक तुम्हारा बी था, उस पहली वाली इक्वेशन में बी की साइन थी प्लस और नेक्स्ट वाली इक्वेशन में बी की साइन थी माइनस, तो जब तुम ऐड करते तो प्लस माइनस कट गए थे वहाँ पर और सिर्फ ए बचा था। तुम अगर अभी यहाँ पे एडिशन करोगे तो आर और आर कटेगा थोड़ी ना, ठीक है, और पी भी नहीं कटेगा। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि आपको उनमें से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करवाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट कराएंगे, इन्हें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन करना तुमने अभी अभी लॉन्ग डिविजन में सीख लिया है, जो नीचे वाली लाइन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, अब ये कट गया। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, ये है माइनस 10, जो माइनस 5/2 नहीं है, अब ये चीज़ प्लस 5/2 है, वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ क्या है 4p, और ये अब आपका बन गया है माइनस पी बाय 4। अब इस चीज़ को तुम सॉल्व कर लो तो ये हो गया 16p माइनस पी अपॉन में 4, और यहाँ पे भी अगर मैं कर लूँ तो माइनस 20 प्लस 5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आएगा 15p अपॉन 4, यहाँ आएगा माइनस 15 अपॉन 2। सो अभी यहाँ से 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 15 वन ज़ा 15 वन ज़ा, सो पी की वैल्यू आ गई माइनस 1, और ये 2 वहाँ से मैं मल्टीप्लाई में ले गई, सो यहाँ से हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली माइनस 2। तो क्या मुझे इसे पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या नहीं, मुझे यहाँ से आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए।
तो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी जाकर पी की वैल्यू डाल दो. सो लेट्स से मैंने उसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में. सो हमने यहाँ लिख दिया कि पुट पी इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर वन. तो अगर इक्वेशन नंबर वन क्या है, फोर पी प्लस आर इक्वल टू माइनस टेन. तो यहाँ पे मैंने माइनस टू पुट कर दिया और देखते हैं यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आती है. ठीक है, तो सॉल्व करने पे यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आई अगेन माइनस टू. तो देखो पी भी कितना आया माइनस टू, आर भी कितना आया माइनस टू. तो हम लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू आर इक्वल टू माइनस टू. और देखो हमें शो दैट क्या करना था सवाल में, हमें शो दैट यही करना था कि पी और आर आपस में इक्वल होंगे. तो देखो यहाँ से शो दैट हो गया कि पी और आर आपस में इक्वल है और यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हमारे पास आ सकता है शो दैट वाले पैटर्न में. और जो ये वाली चीज मैंने लिखी है मैंने पी इक्वल टू आर, ये चीज ऐसी भी लिख कर आ सकती थी तुमको कि पी माइनस आर इक्वल टू जीरो प्रूव करो. तो उसमें क्या है तुम करके देख लो, जैसे प्लस आर है ये इधर जाके क्या हो गया माइनस आर, तो प्लस आर वहां जाके माइनस आर हो गया, वहां कुछ नहीं बचा मतलब जीरो बचा. तो ये ऐसा भी लिख कर आ सकता था, ऐसा भी लिख कर आ सकता था. शो दैट के फॉर्मेट में कुछ भी लिख के आ सकता है. तुम्हें बस क्या करना है, वहां पे क्वेश्चन को रीड करना है. क्वेश्चन को रीड करते करते क्या करना है कि बस अच्छा एक्स माइनस टू फैक्टर दिया है तो रिमाइंडर बराबर क्या कर लेते हैं जीरो बना लेते हैं. फिर दूसरा भी फैक्टर दिया है तो अगेन रिमाइंडर जीरो बना के एक और इक्वेशन बना लेते हैं. फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है करके. ठीक है, ये था तुम लोगों का पैटर्न नंबर चार शो दैट वाले सवालों का.